कालका बिजली बोर्ड का नकली जेई बनकर एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये लिए और दफ्तर से हुआ गायब। कालका पुलिस को दी शिकायत। कालका के टिपरा निवासी सेवाराम ने कालका पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है कि बिजली बोर्ड कालका में एक व्यक्ति जिसने अपना परिचय विभाग का जेई बताया और 7,000 रुपयों की कैश राशि लेकर अनजान व्यक्ति गायब हो गया। ऐसा मामला कालका में पहली बार आया है। टिपरा के निवासी सेवाराम ने अपनी सारी व्यथा नगर परिषद कालका वार्ड नंबर 5 के कैंडिडेट रहे समाजसेवी चतर सिंह को बताई। समाजसेवी चतर सिंह सेवाराम को लेकर बिजली बोर्ड दफ्तर कालका में गया और SDO और जेई से मुलाकात कर ऑफिस के CCTV कैमरों में जांच पड़ताल करने की मांग की। समाजसेवी चतर सिंह ने मंगलवार को बताया कि उसने सेवाराम से मिलकर SDO नीरज महतो और जेई से मुलाकात की थी और उसके रुपए वापस दिलवाने की मांग भी की थी। सेवाराम ने बताया कि एक अनजान व्यक्ति उसे बिजली बोर्ड दफ्तर में मिला था और उसने अपने आप को विभाग का जेई बताकर कहा कि वह 1,000 रुपये भी कम करवा देगा और पैसे लाने को कहा। सेवाराम ने तुरंत इसके बारे में पुलिस को बताया कि वह ATM से 7,000 रुपये लेकर आया और अनजान व्यक्ति को थमा दिए और वह व्यक्ति उसे अंदर बाहर लेकर आता जाता रहा तो अचानक वहाँ से गायब हो गया और उसे ढूंढता रहा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जिसके बाद इसकी शिकायत कालका पुलिस को दी गई। कालका पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं वार्ड नंबर 5 के कैंडिडेट रहे चतर सिंह ने कालका पुलिस और बिजली बोर्ड कालका के SDO और जेई से CCTV कैमरों की जांच पड़ताल कर इस गरीब के 7,000 रुपये दिलवाने की मांग पर जोर दिया है। बिजली बोर्ड कालका में एक छोटी सी वारदात हुई है, तो मेरी प्रशासन से, बिजली बोर्ड से और SHO कालका थाना से ये विनती है कि इनकी रिक्वेस्ट की कार्रवाई की जाए। सेवाराम जी 21 तारीख को अपना एक बिजली का बिल जो कि 10,000 की पेमेंट आ चुकी थी और ये बेचारे बिजली बोर्ड कालका में अपना बिल जमा करने के लिए गए थे। बिजली बोर्ड में इनकी मुलाकात जगविंदर जय साहब से हुई थी और उसके बाद एक अनजान व्यक्ति जिसको भाई साहब जानते नहीं है, उन्होंने अचानक इनको ब्लैकमेल किया और इनका बिल लिया कि मैं यहाँ का जई हूँ, फ्रॉड जई बन के इनके साथ धोखा किया। तो उसके बाद इनसे उन्होंने 7,000 की पेमेंट लेकर ATM से और वो भाग गया। मेरी SDO साहब नीरज महतो और जई साहब जगविंदर जी से मेरी विनती है कि जिसने भी ये वारदात की है, आप कृपया इंक्वायरी कराएं, अपने बिजली बोर्ड के CCTV चेक कराएं और कालका पुलिस थाने का साथ लेकर इनको इंसाफ दिलाएं ताकि झूठे व्यक्ति को पकड़ने के लिए कार्रवाई हो सके। एक गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर हरियाणा बिजली बोर्ड का बिल भरता है और उसके बाद हरियाणा बिजली बोर्ड में ही शरारती तत्व ऐसा धोखा कर जाते हैं। तो मेरी हरियाणा सरकार से, बिजली बोर्ड से ये विनती है और SHO थाना कालका से कि बिजली बोर्ड के साथ मिलकर इनके पैसे की भरपाई करवाई जाए और धोखेबाज व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए।